हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सोनम कुक सोनम में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए ये साबुदाना की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको कि आप अगर ट्रिक से बनाएंगे तो ना ही ये फटेगी ना ही ये चिपकेगी ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाएगी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये मेजरिंग कप से जो मीडियम साइज का कप होता है उससे करीब डेढ़ कप साबूदाना लिया है ये छोटा वाला साबूदाना है आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी इस तरह से पानी से वॉश करके और इसका पानी जो है वो पूरा निकाल देंगे तो यहाँ पर मैंने साबुदाना वॉश करके रख लिया है तो अब एक पैन ले, ले लेंगे या कढ़ाई ले लेंगे मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है तो उसमें मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे उसके बाद मैं यहाँ पर ये दो ही ड्राई फ्रूट्स यूज कर रही हूँ ये मैं एक सबसे छोटा कप जो मेजरिंग कप का होता है वो एक कप काजू ले रही हूँ और एक कप ही यहाँ पर मैं मखाने ले रही हूँ काजू को मैं हल्का सा रोस्ट होने दूंगी उसके बाद मैं इसमें ये मखाने जो लिए हैं वो ऐड कर दिए हैं मैंने इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक काजू और मखानों को मखाने फ्रेंड्स बाद में इसलिए डालते हैं कि जो मखाने हैं वो हमारा पूरा देखे घी एब्जॉर्व कर लिया है इन्होंने और ये भुन चुके हैं तो इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ तो अब हम खीर बनाने की प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए मैं यहाँ पर ये एक लीटर के पैकेट का दूध ले रही हूँ ये विदाउट क्रीम वाला दूध है जिसको कि मैं ये कढ़ाई में डाल के उबालूंगी और जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता है तब तक कि इसको चलाते रहेंगे इसमें बहुत जल्दी ही बॉईल आ गया था फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है जो हमने साबुदाना के रखा था ना उसको पूरा इसमें ऐड कर देंगे और ये साबुदाना जो दूध में जब डालेंगे ना फ्रेंड्स तो दूध की जो फ्लेम है आंच गैस की उसको फुल रखेंगे उसको स्लो नहीं करेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं अगर छोड़ देंगे तो साबुदाना हमारा जो है ना वो दूध में जाके दूध को फाड़ देता है तो खीर हमारी फटी फटी सी दिखने लगती है तो ये सबसे जरूरी बात है फ्रेंड्स कि आप इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये दूध और साबुदाना आपस में मिलके खोलने ना लगे ये देखिए इस तरीके से इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है पूरी खीर बनने में मुझे 20 मिनट का समय ही लगा था फ्रेंड्स और ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो चुकी थी देखिए इसमें वॉयल आ रहा है इसको मैं एक चमचे की मदद से इस तरह से चलाऊंगी और थोड़ी देर और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि जो साबुदाना है वो हमारे अच्छे से गल जाए देखिए कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं इसमें मैं अब यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा मैंने यहाँ पर चार चम्मच के करीब चीनी ऐड की है और ये देखिए खीर हमारी जो है वो थोड़ी सी थिकनेस आनी शुरू हो गई है इसमें तो ये लगभग बन बनने के लिए बिल्कुल रेडी है मतलब तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ साबूदाने भी जो हमारे हैं वो पूरे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं तो इस यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दिया है बिल्कुल स्लो और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे वो मैं ऐसे ही साबुत डाल रही हूँ आप चाहें तो इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं तो ये देखिए इसके बाद मैं इसको दो मिनट और पकाऊंगी दो मिनट पकने के बाद खीर जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है तो अब यहाँ पर हम ये देखिए आपको फिर से दिखाती हूँ देखिए इसकी थिकनेस इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे मैं पास से दिखाती हूँ आपको तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं यहाँ पर मैं पूरी खीर पहले एक बड़े बाउल में निकाल रही हूँ ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी खाने में भी बहुत टेस्टी थी फ्रेंड्स एक बार आप इसे बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा तो अब मैं इसको कटोरी में निकाल के आपको दिखाऊंगी ये देखिए कितनी परफेक्ट बन के रेडी हुई है मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू